Hello everyone, welcome to Andhra Public School online teaching classes. Today's lecture is maths. Now start government textbook chapter number 6. Start karenge. New chapter is time. Chapter number 6, time. CW date mention karna hai. 4, public 10, public 21. सबसे पहले यहाँ पे है गेट अप स्कूल. टाइम में क्या होता है कि सुबह में हम सबसे क्या करते हैं, सबसे जल्दी उठते हैं. हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, गेट अप फॉर स्कूल. सेकंड नंबर इज़ ईट ब्रेकफास्ट, हमें नाश्ता करना चाहिए. थर्ड नंबर इज़ रीड अ स्टोरी इन स्कूल, फिर स्कूल में स्टोरी रीड करनी चाहिए. फोर्थ नंबर पर है ईट अ लंच, हमें लंच करना चाहिए. फिफ्थ नंबर पर है प्ले, हमें खेलना चाहिए. सिक्स नंबर पर स्टडी, यानी क्या करना, हमें पढ़ाई करनी चाहिए. सेवन नंबर पे है गो टू बेड, हमें रात को टाइम से सो जाना चाहिए. ना एवरीबॉडी टर्न योर पेज. टेक द एक्टिविटीज दैट यू कैन मॉर्निंग. अब मॉर्निंग में कौन सी एक्टिविटी करती हूँ वो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना. हमारे पास फोर एक्टिविटी है, ब्रशिंग, लंच, रीडिंग एंड बाथिंग. तो इसमें से हम कौन सी एक्टिविटी मॉर्निंग में करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रश करते हैं. नाउ सेकंड वन है टेक द एक्टिविटी दैट यू डू इन इवनिंग. इवनिंग में आप कौन सी एक्टिविटी करते हो, इवनिंग में आप कौन सी एक्टिविटी करते हो, तो हम सो जाते हैं, स्कूल जाते हैं, खेलने जाते हैं, कि हम नहाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इवनिंग में खेलने जाते हैं. तो आपको उसमें यस टिक मार्क करना है. थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर पे है द टिक मार्क द एक्टिविटी दैट यू डू इन द डे. आप दिन में कौन सी एक्टिविटी करते हो, तो दिन के अंदर आप कौन सी एक्टिविटी करते हो. हम क्या करते हैं दिन में, लंच करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये करना है, टिक मार्क करना है. एंड टेक द एक्टिविटीज यू कैन नाइट. नाइट में आप कौन सी एक्टिविटी करते हो इसमें से, तो हम क्या करते हैं, रात को शांति से सो जाते हैं. नींद आती है ना सबको जल्दी जल्दी, तो क्या करते हैं, हम सो जाते हैं. तो उसमें क्या करना है, यस टेक मार्क. उसके बाद है नंबर द एक्टिविटी सीक्वेंस. यहाँ पे सीक्वेंस करने हैं हमें कि जब हम खाना खाते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होता है. तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जब मम्मी खाना बनाती है तो सबसे पहले क्या करती है, आटा गूंथती है ना, आटा बनाती है ना मम्मी, उसके पहले सबसे पहले आटा निकालना पड़ता है. उसके बाद में उसमें पानी डालना पड़ता है तो आटा बन जाता है रोटी बनाने के लिए, है ना. ये देखो आटा बना रहा है ना. उसके बाद है रोटी को बेलना पड़ता है, क्या करना है, रोटी को बेलना पड़ता है. उसके बाद सब्जी काटनी पड़ती है, उसके बाद रोटी बनती है और फिर हम लंच करते हैं. ओके एवरीवन, नाउ एवरीबॉडी टर्न योर पेज एंड लास्ट पेज इज 9292 एंड आवर चैप्टर इज फिनिश फॉर द सेम टाइम. टेक द एक्टिविटीज दैट वेर टेक अ लॉन्गर. हमको ये एक्टिविटी करने में कितना टाइम लगेगा वो यहाँ पे हमें बताना है. यहाँ पे हमें क्या करना है कि देखो जैसे नल में पानी आ रहा है इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा. देखो इसमें है ना ये कितना बड़ा है और ये छोटा सा बकेट है, तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम लगेगा. तो यहाँ पे करना है यस टेक. एंड लास्ट क्वेश्चन है कि घर से लेकर चलते जाने में और साइकिल लेके जाने में इसमें कौन सा ज़्यादा टाइम लगेगा, चलने में या साइकिल में, तो चलने में ज़्यादा टाइम लगेगा. तो इसमें करेंगे यस. ओके एवरीवन, नाउ सो कंप्लीट अवर चैप्टर नंबर 6 इन गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. नाउ ओपन योर मैथ्स मैजिक वर्क बुक चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज है, इसीलिए चैप्टर नंबर 6 फिनिश करने के बाद हमें पेज नंबर ओपन करना है 106. 106 के अंदर यहाँ पे CW डेट मैंशन करके आपको क्या करना है, एक्टिविटी करनी है. सबसे पहले है काउंट एंड पुट सर्कल द अराउंड द करेक्ट नंबर. क्या करना है, हमें यहाँ पे काउंट करना है और जो राइट आंसर होगा उस पर बनाना है सर्कल. क्या करना है, सर्कल. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19. राइट आंसर है, राइट आंसर है 19, तो उसको बनाना है. इसमें भी सेम करना है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सर्कल बनाना है, राइट आंसर पे 18 पे सर्कल. नाउ नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उस पर बनाना है सर्कल. यहाँ पे सेम है 1 2 3 4 5 6
सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन राइट आंसर इज अवर सिक्सटीन। नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन है काउंट एंड जॉइन द करेक्ट नंबर। यहाँ पे हमें करना है काउंट एंड राइट, यहाँ पे काउंट करके हमें राइट आंसर पे जॉइनिंग करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन सिक्स में जॉइन करना। ना एवरीबडी ये वाला बाकी के जो क्वेश्चन हैं आपको करने हैं होमवर्क में, आपको इसी बुक में होमवर्क करना है, नोटबुक में अभी नहीं करना है। ना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पुट द सर्कल एज पर नंबर, यहाँ पे अलेवन लिखा है तो आपको इलेवन सर्कल्स बनाने हैं। वन टू थ्री ओके सो कंप्लीट अवर पेज नंबर नंबर 106 एंड क्वेश्चन नंबर 12। नीचे के जो बाकी है वो आप करने हैं होमवर्क के अंदर। ना एवरीबॉडी टर्न योर पेज पेज नंबर 107 क्वेश्चन नंबर 13 काउंट एंड पुट सर्कल द अराउंड द करेक्ट नंबर्स। क्या करना है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें काउंट करना है और फिर राइट आंसर पे सर्कल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवनटीन। आंसर इज अवर 1717 राइट आंसर है, उस पर करना है सर्कल। ओके बाकी के क्वेश्चन आपको क्या करने हैं होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 काउंट एंड द राइट द नंबर्स इन, यहाँ पे हमें काउंट एंड राइट है बॉक्स के अंदर आंसर लिखने हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन यहाँ पे आएगा वन फोर फोर्टीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन यहाँ पे राइट आंसर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन यहाँ पे राइट आंसर इज एटीन। ये है हमारे टोटल बिट्स टेन एंड एलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन राइट आंसर इज थर्टीन। ना एवरीबॉडी कंप्लीट दिस पेज 107 नाउ नेक्स्ट पेज इज 108। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलर टू बिगर, सबसे पहले छोटा नंबर आता है उसके बाद आता है बड़ा नंबर। अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर में होता है सबसे पहले बिगर नंबर बिगर टू स्मॉलर, यानी बिगर से लेके बड़े से लेके छोटे तक, तो यहाँ पे छोटे से लेके बड़े तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 राइट द असेंडिंग ऑर्डर। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा स्मॉलर टू बिगर। वन वन इलेवन वन टू ट्वेल्व वन थ्री थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन। नेक्स्ट है फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी। थर्टीन के आफ्टर फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवनटीन, ये जाएगा हमारा बिफोर नंबर सॉरी आफ्टर नंबर में, मतलब स्मॉलर टू बिगर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवनटीन। ये भी जाएगा हमारा क्या जाएगा सीक्वेंस में, यानी स्मॉलर टू बिगर सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी। राइट द डिसेंडिंग ऑर्डर एटीन, डिसेंडिंग ऑर्डर तो है हमारा बिगर टू स्मॉलर एटीन, उससे छोटा सेवनटीन देन सिक्सटीन फिफ्टीन फोर्टीन एंड थर्टीन। सिक्सटीन के आफ्टर होगा फिफ्टीन फोर्टीन थर्टीन ट्वेल्व एंड इलेवन। बिगर टू स्मॉल ट्वेंटी नाइनटीन एटीन सेवनटीन सिक्सटीन फिफ्टीन के आफ्टर फोर्टीन थर्टीन ट्वेल्व एंड इलेवन। नाउ दो आपको करना है होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एंड एटीन होमवर्क, दोनों में होमवर्क करना है। नाउ नेक्स्ट पेज इज 109 अंडरस्टैंड द ग्रेटर देन एंड लेस देन। ग्रेटर देन एंड लेस देन यानी स्मॉलर देन का मतलब होता है बिगर एंड स्मॉलर। इसके अंदर हम करेंगे अंडरस्टैंड टू 16 इज अ ग्रेटर, क्या करना है हमें इसके अंदर बिगर और स्मॉलर बताना है, यानी कौन सा नंबर कौन से बड़ा है या छोटा है। टोटल नंबर काउंट है तो ये 16 और ये है 12, तो यहाँ पे आया 16 इज ग्रेटर देन 12, क्या है 16 है वो किससे बड़ा है, 16 बड़ा है किससे किससे है 12 से, किससे बड़ा है वो 12 से बड़ा है। उसके बाद काउंट करेंगे 13 इज स्मॉलर देन 15, इसमें हम क्या करेंगे 13 इज स्मॉलर देन द 15, 13 छोटा है किससे छोटा है 15 से स्मॉलर है। नेक्स्ट है 7 इज स्मॉलर देन द 15, 7 किससे छोटा है 15 से स्मॉलर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 काउंट एंड राइट द नंबर्स, यहाँ पे हमें काउंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 काउंट एंड राइट द नंबर्स, यहाँ पे हमें काउंट करना है कि ये नंबर्स हैं 14
स्मॉलर देन द 17, ये है 17। तो 14 क्या है, स्मॉलर है, किससे छोटा है, 17 से स्मॉलर। ये है हमारा 15 ग्रेटर देन 12, तो 15 बड़ा है, किससे बड़ा है, 12 से बड़ा है। 8 स्मॉलर देन द 11, 8 क्या है, स्मॉलर देन द 11, 11 से छोटा कौन है, 8 11 से छोटा कौन है। ना क्वेश्चन नंबर 12, पुट द सर्कल अराउंड द ग्रेटर नंबर, यहाँ पे हमें बिग नंबर पे सर्कल करना है, यानी ग्रेटर नंबर, जो नंबर बाद में आता है वो होता है हमारा ग्रेटर नंबर। तो 1818 इज अ ग्रेटर नंबर, 15 के बाद क्या आता है, यानी जब 11 काउंटिंग करते हैं, 11 12 13 14 15, 15 पहले आ गया तो ये स्मॉलर है, इसके बाद आया 18, 18 क्या है, बिगर है, तो इसको बनाएंगे सर्कल। उसके बाद है 20 एंड 11, इसमें भी हमें वैसे ही करना है, जब हम काउंटिंग करते हैं तो 11 पहले आ जाता है, 20 बाद में आता है, तो 20 भी करेंगे यानी ग्रेटर नंबर। जब 11 बोलते हैं तो सबसे पहले नंबर आता है 9, तो ये है हमारा स्मॉलर एंड 19 इज अवर ग्रेटर नंबर, उसको बनाएंगे सर्कल। नेक्स्ट नंबर है हमारा 4 एंड 14, जब नंबर्स काउंट करते हैं तो 4 फर्स्ट आता है और 14 बाद में आता है, तो 1 फॉर 14 इज अवर ग्रेटर नंबर, उससे बनाएंगे हम सर्कल। 1 to 12 and 17, 12 बाद पहले आता है, 17 बाद में आता है, तो 17 इज अवर ग्रेटर नंबर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, पुट ट्राइंगल अराउंड द स्मॉलर नंबर, क्या करना है हमें, ट्राइंगल बनाना है, किस पे करना है, स्मॉलर नंबर पे। तो जब काउंटिंग करते हैं 11, 12 एंड 13, 13 देखो पहले आ गया, तो इस पे बनाएंगे हम ट्राइंगल, क्या करना है, ट्राइंगल। नेक्स्ट है 8 एंड 18, जब 1, 2, 3 बोलते हैं दोनों नंबर में से 8 पहले आ जाता है, जिसको बनाना है हमें ट्राइंगल। नेक्स्ट है 15 एंड 5, इसमें क्या करना है हमें, 5 एंड 15 है, तो जो स्मॉलर नंबर होगा उसको करेंगे ट्राइंगल। देन नेक्स्ट है 10 एंड 16, जो सबसे स्मॉलर नंबर होगा, इसमें से स्मॉलर नंबर कौन है, हमारा 10, उस पर करेंगे हम ट्राइंगल। नेक्स्ट है 4 एंड 14, दोनों नंबर में से 4 इज अवर स्मॉलर नंबर, उस पर हम करेंगे ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 22 है, काउंट एंड द लीव्स एंड द राइट द नाइन, यहाँ पे काउंट करना है, तो यहाँ पे राइट आंसर करना है, जो भी आंसर होगा काउंट का वो आपको यहाँ पे नीचे लिखना है। जब हम काउंट किया तो यह आंसर है 10, तो ये है हमारा 13 और ये है हमारा 15, तो 13 इज स्मॉलर देन द 15, 13 क्या है, 15 से छोटा है। नाउ नेक्स्ट है रैट, माउस है, टोटल है 10, 10 इज अ ग्रेटर देन द 6, 6 क्या है, 10 से बड़ा है, 6 क्या है, छोटा है, किससे छोटा है वो, 10 से, तो 10 बड़ा है और 6 छोटा है। नाउ एवरीबॉडी टर्न योर पेज, पेज नंबर 111111 है हमारा होमवर्क में, आपको पूरा करना है इसे होमवर्क के अंदर। एंड पेज नंबर है 1112 भी जाएगा आपका होमवर्क। ओके एवरीवन, क्लियर, तो दो पेज है आपके होमवर्क में, बाकी का होमवर्क भी मैंने आगे किया है, तो जहाँ भी होमवर्क, अभी नोटबुक में कोई होमवर्क नहीं जाएगा, आपको वर्कबुक के अंदर वर्क फिनिश करना है, बहुत सारा वर्क है, तो फास्ट फास्ट करके आपको अच्छे से होमवर्क फिनिश करना है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में मिले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, हैव नाइस डे, गुड बाय।